हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम आपके साथ फूलगोभी और आलू की एक ऐसी रेसिपी शेयर करेंगे जिसे खाकर आप अपने घर में रोज यही सब्जी बनाने लगोगे। जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं वो भी ये सब्जी बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर ले ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। सबसे पहले हमें कढ़ाई में 2 टेबलस्पून सरसों का तेल ऐड करेंगे। सरसों के तेल से ये सब्जी बहुत अच्छी बनती है। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम इसके बाद फूलगोभी को छोटा छोटा पीस काट के इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी ऐड करके इसे टॉस करके इसे तेल में थोड़ा फ्राई करेंगे। तक फूलगोभी थोड़े लिटिल गोल्डन ब्राउन ना हो जाए हम तब तक इसे फ्राई करेंगे। देखिए हमारा फूलगोभी जो है एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। हम इसे अभी निकाल लेते हैं। फिर उसी कढ़ाई या पैन में थोड़ा सा ऑयल और डाल के हमें आलू को अच्छे से फ्राई कर लेना है। आलू को भी थोड़ा लिटिल गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कीजिए। फिर उसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा खड़े मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि दालचीनी, लौंग, इलायची, सूखी लाल मिर्च और जीरा। इसे तेल में हमें अच्छे से भून लेना है। इसके बाद अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट इसमें डाल देंगे हम। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला जो है नीचे से चिपके नहीं। फिर उसके बाद कटा हुआ टमाटर ऐड कर देंगे। जैसे ही हम टमाटर ऐड करेंगे उसके बाद थोड़ा नमक ऐड करेंगे ताकि टमाटर जल्दी से अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 2 मिनट के बाद देखिए हमारा टमाटर एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। फिर थोड़ा सा पानी हम और ऐड करेंगे और 2 मिनट के लिए ढक्कन को बंद कर देंगे ताकि मसाला एकदम अच्छे से पक जाए। देखिए 2 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाते हैं, हमारा मसाला एकदम अच्छे से तैयार हो चुका है। इसके बाद हम थोड़ा सा सूखे मसाले इसमें डालेंगे, जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा शक्कर। फिर इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे। फिर इसके बाद गैस को फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और इसमें 1 टेबलस्पून हम दही ऐड कर देंगे। ये अच्छे से मिला ले उसको, मसाला और दही को हमें अच्छे से मिला लेना है। हमें इसे थोड़ा सा भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है निकल जाए। फिर हमें इसके बाद आलू डाल देंगे। फ्राई किए हुए जो आलू हम रखे थे आलू को हमें डाल देना है। आलू को मसाला में अच्छे से एकदम कोटिंग कर लेना है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हमें थोड़ा ढक्कन डाल के 5 मिनट के लिए हमें आलू को पका लेना है। 5 मिनट के बाद देखिए मसाला और आलू एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। जैसे ही आलू सॉफ्ट होने लगेंगे हम इसके बाद फ्राई किए हुए फूलगोभी को इसमें डाल देंगे। फिर फूलगोभी और आलू को हमें मसाला में अच्छे से कोट करना है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे ताकि फूलगोभी और आलू दोनों ही अच्छे से पक जाए। इसे ढककर हमें 10 से 15 मिनट तक कुक करना है। 10 से 15 मिनट के बाद देखिए फूलगोभी और आलू एकदम अच्छे से पक गए हैं। फिर इसमें हम 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे। ध्यान रहे पहले भी हमने गरम मसाला का इस्तेमाल किया है। फिर इसके बाद हमें फ्रेश हरा धनिया इसमें डाल देंगे। धनिया के पत्ते डालने से ये फूलगोभी और आलू की सब्ज़ी और भी टेस्टी बनेगी। फिर इसके बाद हमें 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में इसे थोड़ा फ्राई कर लेना है। देखिए हमारा फूलगोभी और आलू एकदम अच्छे से बनके रेडी हो चुका। आप इस सब्जी को गर्मा गर्म राइस, रोटी, नान, पराठा, पूरी किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।